गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये वीडियो सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए बनाई है। जो लोग आज अपना प्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट से दैट आप लोग इस अटेम्प्ट की कीमत समझिए, क्योंकि हम बहुत सारे यूपीएससी के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें अभी तक मिल नहीं पा रहा है, उन्हें अभी तक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल नहीं पा रहा है। तो आप लोगों को मिला है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। आप उसकी कीमत समझिए, दिल लगा के एग्ज़ाम दे के आइए। वट एवर विल बी द रिज़ल्ट विल बी, लेट इट बी, आपके हाथ में सिर्फ एग्ज़ाम देना है, रिज़ल्ट नहीं है। और एग्ज़ाम देने के लिए तो हम लोग 10 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, 7-8 लाख तो एग्ज़ाम देने भी जाते हैं। तो प्रैक्टिकल सी बात है कि 7-8 लाख में से कुछ हज़ार लोग ही मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, और फिर उसके बाद कुछ 100 की गिनती में 700, 800, 1000, कुछ ऐसे 1500, 1400, 100 की गिनती में कुछ कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनली 600-700 जने ही सिलेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल सी बात है, चांस होना बहुत कम है, लेकिन हर इंसान ऐसे सोचेगा तो एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा ना कोई। एग्ज़ाम देने तो जाएंगे सारे, सिलेक्ट कितने होते हैं वो अलग बात है, और सिलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम में अपीयर होना बड़ी बात है। जो एग्ज़ाम में अपीयर होता है वही सिलेक्ट होता है, ना कि जो सिलेक्ट होता है वही अपीयर होता है। तो एग्ज़ाम में अपीयर होना बड़ी बात है, सिलेक्ट होना नहीं। जो एग्ज़ाम में अपीयर होता है वो सिलेक्ट होता है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अपीयर होता है वो ही सिलेक्ट होता है उन्हीं कैंडिडेट्स में से, ऐसा तो कह सकते हैं ना। तो वंस अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, दिल लगा के एग्ज़ाम दीजिए। और विदाउट गेटिंग टेंस्ड कि रिज़ल्ट क्या होगा, इस एग्ज़ाम की कीमत हमसे समझिए कि हमें अटेम्प्ट का मौका मिल नहीं रहा है। हमसे पूछिए इस अटेम्प्ट की कीमत क्या होती है। आप लोगों को मिला है, बड़े खुशकिस्मत हैं, कुर्सी मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट तो मिला ना, वो बड़ी बात है। चलो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और मैं कोई ना तो इतना फेमस स्टार हूँ, ना इतना फेमस यूट्यूबर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन किया छोटी सी वीडियो बनाने का, तो मैंने बना दी। लास्ट ईयर भी बनाई थी ऑल द बेस्ट के लिए। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, कमेंट करके बताना आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। ओके गाइज, गॉड ब्लेस यू।